दिन में हम लोग कुछ मामलात में कहते हैं कि इसमें हद नहीं है, और किस चीजों में जब वो चीज करते हैं तो उसमें हम लोग कहते हैं कि बिदअत है ये। तो इसका कायदा क्या है कि हद नहीं है और ये बिदअत है, इसको जी फर्क कर। मैं बहुत अच्छे से नहीं समझ सका, लेकिन बिदात से मुतालिक भाई का सवाल है। देखिए भाई, आप एक बात याद रखिए, सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इसको आप याद रखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैस मिन्हु फहुवा रद्दुन, कि जिसने दीन के अंदर किसी ऐसी चीज का इजाद किया जो दीन का हिस्सा नहीं था पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, फहुवा रद्दुन, वो मर्दूद है और वही बिदात है। यानी दीन के सिलसिले में अगर किसी नई चीज का इजाद किया तो वो बिदात है। मन आमिला अमलन लैस अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, दूसरी हदीस है। तो बिदात को परखने का आपके पास मेयार ये है कि जब कोई आदमी किसी चीज के बारे में ये दावा करे कि ये दीन है, ये इबादत है, दीन का हिस्सा है, तब आप उससे दलील पूछिए। अगर उसके पास दलील नहीं है तो वो बिदात है। दीन जी के बारे में बहुत सारे लोग आपको आके मिलेंगे और कहेंगे कि आप चश्मा लगाते हो तो ये भी तो नया है, तो ये बिदात है। भाई चश्मा दीन नहीं है, ये जी दुनियावी चीज है। तो बिदात का ताल्लुक दीन के मुआमलात से है। दीन के मुआमलात के सिलसिले में जब किसी नई चीज का इजाद किया जाए तो उसे कहा जाएगा कि ये बिदात है। जी जी अहमद भाई, अहमद बशीर भाई। जी, ये बिदात का डेफिनेशन तो समझ में आया, लेकिन मैं जैसा कह रहा था कि कोई मामला में हम कहते हैं कि हद नहीं है, लेकिन क्या जैसे हद है एग्जाम्पल में है, मामलात जैसे और इबादत के जो उसूल है उस पर फर्क नहीं कर पा रहे। इबादत हाँ में, जैसे देखिए, जी एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दूं तो आप ज्यादा समझ जी जाएंगे। जी जैसे जुमा जुमा से पहले हम ये कहते हैं कि मस्जिद में दाखिल हो तो कितनी भी नमाजें पढ़ सकते हैं, दो दो रकात करके। वही हम ईद की नमाज में जाते हैं तो ईद की नमाज से पहले हम कहते हैं कि कोई नमाज नहीं होती, कोई अगर पढ़ता है तो बिदत है। तो अब ये दो मामला नमाजों का है दोनों भी, लेकिन एक में बिदत का फतवा है और एक में ये है कि हद नहीं है, कितनी भी पढ़ सकते हैं। जी तो ये अब एग्जाम्पल से मैं सवाल आपको वाजे सुन। होगा। जी जी हाँ जी जी अब अहमद आपका सवाल वाजे है। देखिए, जी आप इसको मुख्तसर में और बहुत आसान जबान में ऐसे समझें कि इबादत असल में तौकीफी है। तौकीफी का मतलब ये है कि जहां तक इजाजत दी गई है वहां तक हम करेंगे, जी और जहां पे इजाजत नहीं है उसको नहीं करेंगे। ईद के बारे में सराहत के साथ हदीस में आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज से पहले कोई नमाज नहीं पढ़ी। गोया कि ये बता दिया गया कि ईद की नमाज से पहले नमाज नहीं है। ये हदीस के अंदर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज से पहले और ईद की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं पढ़ी। अब ये हमें बता दिया गया कि ये नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। ठीक है, जुमा के पहले का जो मसला है, जुमा के पहले अगर कोई आदमी नफिल पढ़ रहा है मुतलक नफिल, तो देखिए मुतलक नफिल आप किसी भी वक्त में पढ़ सकते हैं सिवाय उन औकात के जिनमें आपको मना किया गया है। जैसे अभी एक दो सवाल पहले मैंने बताया कि पांच औकात ऐसे हैं जिनमें मुतलक नफिल पढ़ने से मना किया गया, उसमें आप नफिल नहीं पढ़ सकते। उसके अलावा मुतलक नफिल की कोई कैद नहीं है, आप जब चाहो मुतलक नफिल पढ़ सकते हो और जितनी रकात चाहो पढ़ सकते हो। जैसे अभी आप ईशा की नमाज पढ़ लेंगे, ईशा की नमाज के बाद आप नफिली नमाज पढ़ना चाहते हैं, मुतलक नफिल। नफिल दो किस्म की होती है, एक मुकैद एक मुतलक। जैसे ईशा की नमाज के बाद दो रकात सुन्नत रातिबा है, ये मुकैद नफिल है। उसके बाद आप नफिल पढ़ना चाहते हो, पूरी रात आप पढ़ते रहो, कोई कैद नहीं है। क्यों? इसलिए कि यहां पर नफिल मुतलक से आपको कभी भी मना नहीं किया गया है सिवाय चंद औकात के। तो जी इसलिए इस बुनियाद पर आपको उलमा बताते हैं कि जुमा की नमाज से पहले आप जितनी नमाजें पढ़ना चाहो नफिल मुतलक, क्योंकि वो ममनू औकात में से नहीं है, तो उसमें आप पढ़ सकते हो।